देखा तू ये पत्ती ले जान और एक काली मिर्च में पीस के मिलाई के फौरन लिया। बदमाशन ने बेचारी का गहना जेवर सभी कुछ छीन लिया। बहादुर तुम लोग जाए कि वो सब टीलन पे खड़े हो जाओ और कौन खतरे की बात हो तो हमका फौरन खबर करो। अच्छा जाओ जाओ खड़े मुंह का ताकत जाओ। मैं कहां हूं? डरा नहीं अब कोई खतरा नहीं। भला ये बता वो सब लोग धोखा कैसे भगाई ले गई? पहले तू बता कि तू कौन है और मुझे यहाँ जंगल में क्यों लाया है? अरे बाह सूरत शक्ल से तो पढ़े लिखे जान पड़ा पर शरीफ आदमी से बात करे के तनिको तमीज नहीं। जो लोग जंगलों में आवारा फिरते हैं उनकी भी कोई इज्जत होती है? मुला हमरे सर की सफेदी का तो कौनो ख्याल करो। नहीं आया शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा वही सब जाए दो एक दवा पी लो तहा तबीयत ठीक हो जाए। नहीं ये दवा मेरी माँ को भिजवा दो वो लोग कह रहे थे उनकी बहुत बुरी हालत है। अरे ये दवा तो हमारा आदमी तो हर माँ के पास ले गया है वो तो अच्छी भी हो गई हुई है तो वो पी लो बूटी का जहरीला असर दूर हो जाइए। मैंने तो बूटी सूंघी ही नहीं थी बेहोशी का तो सिर्फ बहाना किया था। बहाना किया रहा बहुत होशियार छोकरिया हो तुम बहुत होशियार। तुम हो कौन? डरा नहीं हम तो हर मददगार हैं दुश्मन नहीं। तो फिर मुझे घर पहुंचा दो मेरे बगैर मेरे माँ बाप का बुरा हाल। अगर तो घर पहुंचाना खतरे से खाली नहीं पहाड़ की पगडंडी पर चंदर के आदमी दाग लगाए बैठे जब आस पास से खतरा दूर हो जाइए तो हम तुमका सलामती से तुम्हारे घर पहुँचाई देवे। इस वक्त हमारे घर चले चलो हम तुम्हारी खूब खातिर करिए। और तुम्हारा घर है कहाँ? पहाड़ी की दूसरी तरफ बहुत सुंदर जगह तो बहुत पसंद आई। चला चला नहीं चला 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 सरदार सब ठीक है। दांत है Thank you.
क्या लिए हैं तुम्हारे? शोभा, ये हमार पारो मौसी हैं और ये चंदा और ये गोपी। चंदा देख, तुम शोभा की खूब खातिर करिए, हम तब तक बाबा के पास जाते हैं। अच्छा शोभा, तुम इसे अपना ही तो समझना, शर्माओ नहीं। और देखो, तुम लोग दीदी के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। आओ दीदी, खाने के लिए चले, मुझे भूख नहीं है। ओह, हमसे नाराज हो? ऐसा भी क्या दीदी? नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। दिल न तोड़ो हमारा दीदी, हमने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो क्या तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगी? हाँ दीदी, समझी। तो ये सब नाटक सोच समझ कर रचाया गया है। शोभा, देखने में तो खूबसूरत हो लेकिन बातों में भी बचपना है। कौन है तुम? मैं कौन हूं? हाँ जरा सोचो, पहचान लिया मुझे? बताओ कहां देखा है मुझे। आखिर ये क्या बदतमीजी, सीधी तरह बताओ तुम कौन हो? रे सूरत शकल से तो पढ़े लिखे जान पड़त हो, पर शरीफ मानस से बात करेगी तभी को तमीज ना है। अरे जान बचाएगा हमका यही फल नहीं होगा। हाय राम, ये तो उसी बुढ़े की आवाज है। अरे हम तो उसे कहा ना, हम तोहरे मददगार हैं, दुश्मन ना है। आखिर ये क्या पहली, ये ढोंग क्यों नचा रखा है बताओ? दिल पर हाथ रख लो तो बता दूंगा। दिल पर हाथ रखो? क्यों रखो, क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कि मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तुम्हारा सर घूमने लगेगा और तुम चकरा के जमीन पर गिर पड़ोगे। ऐसे ही कोई सुनना हो तो बताओ जरा, मैं भी देखूं मुझे क्या होता है। अच्छा तो समझ जाओ फिर, थाम लो दिल अपना, मेरा नाम आजाद है। आजाद? हाँ आजाद। वही लुटेरा जो दुनिया भर में डाके डालता फिरता है? हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पल्ले दर्जे के बदमाश है तुम, बीसियों खून किए हैं तुमने। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। तुमने मुझे भी बुढ़े का भेद बदल कर धोखा दिया है, शर्मानी चाहिए तुमको। मैं तुम्हें न्यायात को अपना गुंडों से बचाया है और इसमें शर्माने की कोई खास बात नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें खूनी दरिंदे हो तो तुम्हारे साथ यहाँ आने के बजाय जंगल के किसी भेड़िए के हाथ मर जाना पसंद। मैं जंगल के तमाम भेड़िए खत्म कर देता मगर ऐसा ना होने देता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? तुम समझते हो मैं एक बेबस कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो शोभा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर क्या देखूं? क्यों देखूं? ये देखो कि मेरे दिल में कोई बुराई है या इनमें कोई पाप है कि नहीं है। इतने ही शरीफ आदमी हो तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शरीफ आदमी भी हूं और वक्त आने पर तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा, मगर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। हाँ शोभा, तुम इस संसार के धर्म को नहीं जानती, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। हाँ तुम्हें जिद्दी लड़की को समझाओ मौसी, इसका मन मेरी तरफ से बहुत मैला है। आओ ऊपर चले। आजाद एक लुटेरा है लेकिन निराला लुटेरा। देखने में वो गरजता हुआ शेर है लेकिन दिल से एक छोटा सा पंछी है।